फाइनली देशभगत यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई हो गई। आप सब दोस्तों को यह इलम होगा कि चंद रोज पहले बहुत सारी वीडियोस देशभगत की वायरल हो गई, जहां पर कश्मीरी बच्चों को मारा गया, हमारी बहनों पर हमला किया गया, हमारी बहनों के हिजाब काटे गए और बहुत इशू हो गया। एक तो हमारी कश्मीरी बहनों को मारा गया, भाइयों को मारा गया और उन्हीं पर FIR लगाया गया देशभगत यूनिवर्सिटी की तरफ से। बहुत बुरा हाल था वहाँ और जो बच्चे वो मांग कर रहे थे कि जो हमारा फ्यूचर है उसको बचाया जाए, क्योंकि कॉलेज में सीटें बहुत कम थी तो उन्होंने दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया था जो कॉलेज एफिलेटेड नहीं था। तो फाइनली आज पंजाब गवर्नमेंट ने जो कश्मीरी बच्चे हैं उनकी मांग सुनी है और कार्रवाई की है देशभगत यूनिवर्सिटी पर। पहले क्या कार्रवाई हुई है, जो बच्चे अब जिनका इशू चल रहा था उनको दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। जो पंजाब गवर्नमेंट कह रही है, जो हल्का अमलों का MLA है उसने ये बात बताई है कि जो बच्चे देशभगत यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे जिनके साथ ये इशू हुआ था उन्हें दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा और उनकी फ़ीस जो एक साल उनमें बचा हुआ है या दो साल बचा हुआ है उसकी फ़ीस देशभगत यूनिवर्सिटी भरेगी और हर एक बच्चे को देशभगत यूनिवर्सिटी कंपनसेशन, जो आप सीधे मानिए कि जो उनकी इज्जत पर आँच आई है वो कंपनसेशन देशभगत यूनिवर्सिटी 10-10 लाख रुपए हर एक बच्चे को देगी जिनके साथ ये इशू हुआ है। और देशभगत यूनिवर्सिटी आज के बाद जो एडमिशनें हुई है, जो फर्स्ट और सेकंड ईयर हुआ है वहाँ स्टार्ट, उन बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है, उन बच्चों के फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुई है। और आज के बाद अब के बाद देशभगत यूनिवर्सिटी में कोई नर्सिंग की एडमिशन नहीं होगी। जो नर्सिंग का जो कॉलेज है वो बिल्कुल सीज किया गया, अब के बाद कोई एडमिशन नहीं होगी। और 5 करोड़ देशभगत यूनिवर्सिटी पर फाइन डाला है पंजाब गवर्नमेंट ने। हम शुक्रगुजार हैं पंजाब के लोगों का जो वहाँ पहुँचे, उन्होंने उन बच्चों का साथ दिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनका कि बहुत सारी NGOs के लोग वहाँ पहुँचे, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ चलती है उनके लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने भाईचारा हमें दिखाया कि कश्मीरी अकेले नहीं है, कश्मीरी पंजाब में हो या हर एक इलाके में हो, हम उनके साथ खड़े हैं। पहले तो हम उनके शुक्रगुजार हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के शुक्रगुजार हैं और हर एक सोशल एक्टिविस्ट का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उस इशू पर वीडियो बनाई थी, आवाज़ उठाई थी और इतना बड़ा अगर एक्शन हुआ वो उन वीडियोस की वजह से हुआ। और पंजाब गवर्नमेंट का हम शुक्रगुजार हैं, एजुकेशन मिनिस्टर जो पंजाब का है उसका शुक्रगुजार हैं और जो हल्का अमलों का MLA है उसका हम शुक्रगुजार हैं और भगवत मान साहब का शुक्रगुजार है कि उन्होंने कार्रवाई की और ऐसी कार्रवाई की जिससे बच्चों का फ्यूचर भी बचा और यूनिवर्सिटी को भी भारी रकम अब चुकानी पड़ेगी। जैसे कि मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि हर एक बच्चे को जिनके साथ ये खिलवाड़ हुई है, जिनके फ्यूचर के साथ खेला गया देशभक्त यूनिवर्सिटी ने, उन्हें 10-10 लाख रुपए कंपनसेशन यूनिवर्सिटी देगी और उन्हें दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करेगी। उसका जो भी फीस जो बच्चों को भरनी होगी वो यूनिवर्सिटी भरेगी और बच्चों का फ्यूचर अब सिक्योर है। अब के बाद देशभगत यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन नहीं होगी और 5 करोड़ रुपए देशभगत यूनिवर्सिटी पर फाइन हुआ है। तो ये अभी की सबसे बड़ी खबर है उन वालदेन के लिए जिन्होंने अपने बच्चे देशभगत यूनिवर्सिटी में नर्सिंग करने के लिए भेजे हुए थे, अपना फ्यूचर वो उन बच्चों में देख रहे थे, उनका फ्यूचर बच गया, मुबारक है उन बच्चों को भी जिन्होंने वहाँ लाठियाँ खाई, जिन्होंने वहाँ मार खाए, इन बहनों के वहाँ हिजाब काटे गए, उनके लिए ये सबसे बड़ी खबर है। और उन्होंने लड़ा अपने हक के लिए और फाइनली हक उनको मिल गया और हम तमाम पंजाब के लोगों के शुक्रगुजार हैं कि जो वहाँ खड़े रहे। लिव लॉक पंजाब, लव यू पंजाब, अल्लाह हाफिज़।